दोस्तों नमस्कार, LS टेक्नोलॉजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं कि ऑनलाइन विजिटिंग कार्ड कैसे बनवाते हैं। आप घर बैठे, आपने ऑफिस में बैठे हुए आप अपना खुद का जो विजिटिंग कार्ड है, आपके ऑफिस का कार्ड है, अब वो बना सकते हैं। उसको बनाने का तरीका क्या है वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, आपको इंटरनेट खोलना होगा। आप इंटरनेट पर जाइए, अगर काफ़ी सारे जो है प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जो कंपनियां हैं, जो है जैसे विजिटा प्रिंट है, प्रिंट सर्कल है, प्रिंट वेन्यू है, प्रिंट शॉप है एंड सर्कल वन है, ये जो फेमस है प्रिंटिंग कार्ड, जो विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने में, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे विजिटा प्रिंट पे। अगर देखिए दोस्तों, एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं आप। यहाँ पे गूगल पे जाइए, यहाँ पे सर्च कीजिए ऑनलाइन विजिटिंग कार्ड, यहाँ पर आपको शो कर देगा कि विजिटिंग कार्ड कौन कौन प्रोवाइड कराता है। आप जैसे हमने पहले बताया था आपको, विस्टा प्रिंट है, प्रिंट वन है, प्रिंट वेन्यू है, प्रिंट सर्कल है, काफी सारे हैं। तो वो आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आप उसमें कितने भी कार्ड्स बनवा सकते हैं, फ्रंट बैक साइड दोनों साइड वो सर्विस देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हुई कार्ड की बात। आइए आप बात करेंगे हम कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज खोलेंगे विस्टा प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे विस्टा प्रिंट पे क्लिक करते हैं, टाइम लेता थोड़ा खुलने में, कोई दिक्कत नहीं, अभी खुल जाता है। देखिए विस्टा प्रिंट की जो साइट है वो खुल चुकी है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट जो है साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे साइन इन कर देता हूँ, देखिए कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने के लिए साइन इन कर देता हूँ। ठीक है, मेरा पासवर्ड है और मैं इसको की साइन इन कर देता हूँ। अब मैं यहां से क्या करता हूं, देखिए जो आप कार्ड जो है क्रिएट करना चाहते हैं वो आप देखिए। एक तो ये स्टाइल सैंपल है, सैंपल आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पे रेट भी आप देख सकते हैं, 100 कार्ड्स के 130 रुपए लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहां पे देखिए सेक्शन बने हुए, आपको क्या बनवा क्या करना है। ऑल प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पे है विजिटिंग कार्ड है, लेटर एंड स्टेशनरी है, प्रिंटेड अपियल है, एम्ब्रॉयडर्ड प्रोडक्ट्स है, फोटो बुक्स है, पर्सनलाइज मग्स है, ठीक है, ब्रांड स्टोर है। आपको अगर विजिटिंग कार्ड बनाना है तो आप विजिटिंग कार्ड पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको विजिटिंग कार्ड आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये है कुछ एक सैंपल विजिटिंग कार्ड के, आप यहाँ से जो भी सैंपल लेना चाहें। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए आपके ऑफिस में काम किस टाइप का होता है, तो उससे रिलेटेड ही बनवाए। देखिए आप अगर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, किसी बिल्डिंग का फोटो वगैरह लगाएं, स्टेशनरी का करते हैं तो आप ऐसी कुछ स्टेशनरी की चीजें लगाएं, बुक्स का करते हैं तो आप कोई बुक्स की वगैरह ऐसी चीजें लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल दिए गए हैं, वो सैंपल आप चूज कर सकते हैं यहाँ से, शॉप बाई इंडस्ट्री आप चूज कीजिए। चलिए हम यहाँ से आर्ट एंड एंटरटेनमेंट कर देते हैं, बिजनेस सर्विस ब्यूटी का आर्ट एंड एंटरटेनमेंट करते हैं। या फिर आप ये टाइप है पेपर, आपको पेपर कैसा चाहिए, क्लासिक ग्लोसी, क्लासिक पर्ल व्हाइट, मेटल है, क्लासिक ऑफ व्हाइट ही पेपर साइज। अब आप करना चाहते हैं ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट एट। अब ये प्राइस है इसका, 130 वाले करवाने हैं आपको, 250 वाले करवाने हैं, 300 वाले करवा। आप ये मान लीजिए या चलते हैं 250 या फिर हम चलते हैं 300 वाले, ठीक है। गैस स्टार्टेड रहेंगे और ठीक है, ब्राउज आपका डिजाइन देखें, आप अपना लोगो यहाँ से कर सकते हैं, योर कंप्लीट डिजाइन। पहले आप ब्राउज डिजाइन करें, अब ब्राउज डिजाइन के ऊपर जाएंगे तो ये अपना आपकी एक गैलरी खुलेगी, इनकी जो खुद की है विस्टा प्रिंट की गैलरी, उसमें से आप कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ओपन नहीं हुआ कंप्लीटली, जैसे ओपन हो गया आपको एक क्लियर दिखाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप ये बाद में चूज कर सकते हैं, आप ये फिल करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाद में भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले आपको आपका जो स्टाइल है वो चूज कीजिए, अगर इनमें से आपको कोई पसंद नहीं आता तो यहाँ से आप कलर स्टाइल में भी आप देख सकते हैं, ब्लू में चाहिए आपको, किस टाइप के कलर में चाहिए, ठीक है। ये देखिए उसी टाइप के कलर में आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे टू पे। ठीक है, तो देखिए मैं आपके लिए कोई अच्छा सा कार्ड ढूंढ लेता हूँ, पहले नहीं मिल रहा,
नहीं, हम प्रॉपर्टी एंड एस्टेट से रिलेटेड पूछ लेते हैं, ठीक है? ठीक है, आप यहाँ से कोई टेम्पलेट्स ले सकते हैं। अभी मैं एक और देख देता हूँ, अगर अच्छा लगा तो वहां से हम आपको पूछ लेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से आप होम और एरियस, इसकी जो प्रॉपर्टी, आप यहाँ से अलग अलग टाइप के स्टाइल जो है चूज कर सकते हैं। ठीक है, होम इंस्पिरेशन, होम स्टैगिंग, ठीक है, इस टाइप के आप जो है ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ से बात करते हैं। मान लीजिए हमें ऐसा विजिटिंग कार्ड है, सिंपल मैं बताता हूँ आपको। कोई ठीक है, ये जो है यहाँ से हम एक कार्ड लेते हैं कोई भी, लेकिन स्टाइल मुझे कुछ खास कुछ नहीं आया इनमें से। मैं अच्छा ढूंढ लेता हूँ कोई रियल एस्टेट। ठीक है, यहाँ से मैं ये कार्ड लेता हूँ। दो नंबर पे देखते हैं कैसा है। ठीक है, चलिए हम यहां से इस कार्ड को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट, जैसे हमने कार्ड को सिलेक्ट किया वो कार्ड यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका जो कार्ड है वो यहाँ पे आ चुका है। ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड है। अब बैक साइड पे भी अगर अपना कुछ ऐड वगैरह देना चाहें, आप यहाँ पे अपना फोटो ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आप अगर अपना फोटो ऐड करना चाहते हैं, योर फोटो, यहाँ पे कीजिए, इमेज में जाइए, कंप्यूटर पे जाइए। ठीक है, चलिए मैं अपना लोगो लगाता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं अपना लोगो लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने उठाया और उसको मैं आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद देखिए दोस्तों, फर्स्ट नेम, आप अपना फर्स्ट नेम देख देते हैं। जैसे मैं यहाँ अपना जो मेरा खुद का बिजनेस है, जो मेरा काम है, वो उसका जो है लोगो यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ। कंप्यूटर इंजीनियर मैंने यहाँ पे काम दे दिया, या आप कुछ भी देखिए अपने जो आपका है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं, जैसे ठीक है, आप अपना जो, और जो ऊपर आती है इसमें क्या है, यहाँ से मैं आपको बता देना चाहूँ। यहाँ से आप इसका जो फॉन्ट स्टाइल है आप वो चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, देखिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगे वही आप कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसका कोई भी कलर आप देना चाहें कलर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आप क्लिक करें, उसके बाद जॉब टाइटल, अब टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ठीक है, ईमेल आप अपना रख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, आप अपना ईमेल रख सकते हैं यहाँ पे, वेब, अदर, कुछ भी आप रखिए। ठीक है, मैं वैसे समझाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक, कंपनी का नाम आप रख सकते हैं यहाँ पे, कुछ जो भी आपकी है, जैसे ये मैंने कर दिया शर्मा प्रॉपर्टी एडवाइजर, आप इस टाइप का रखिए। एड्रेस लाइन,
है, आप यहाँ पे जो कुछ भी टाइप करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। और मैं आपको दूसरी एक ऑप्शन बताऊँ, यहाँ पे जो आ रहा है देखिए अभी इस साइड जो ये सारी एक प्रॉपर्टी जो विंडोज खुली यहाँ पे, इसमें आप डाल सकते हैं कुछ भी। ठीक है, ये मैंने अपना नंबर डाल दिया यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो विजिटिंग कार्ड खुद का जो है तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे स्टाइल है, आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी जो पूरी, अगर आप एड एक और ब्लॉक डालना चाहते हैं, एड न्यू टैक्स फील्ड एरिया, यहाँ पे आप डाल सकते हैं एक और। यहाँ पे रखिए एंटर टैक्स, आपको कुछ रखना है तो रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनमें से कोई आपको अगर डिलीट करना है, देखिए सेक्शन वो डिलीट कर सकते हैं, पैलेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा जो फ्रंट सेक्शन था, ये तैयार हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो बैक पैनल है वो भी तैयार हो। हम कार्ड के पीछे भी कुछ छापना चाहते हैं तो हम क्या करें, ऐड ए रिवर्स साइड, यहाँ पे रिवर्स का 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो भी आपका भी देखिए आता है, एक बार यहाँ सेलेक्ट चूज करते हैं। और सॉरी, हम सेलेक्ट जो हमारा हम लेते हैं ये जो टेम्पलेट है, वो जैसे ही टेम्पलेट अपलोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से डिजाइन देना है, फुल कलर में चाहिए या ब्लैक पेन। अगर आपको कलर चाहिए आप सिलेक्ट जरूर करें यहाँ पे कंपनी मैसेज। ठीक है, अगर आप कंपनी मैसेज में आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ से सॉरी मैं यहाँ से लिख देता हूँ बेटर प्रोवाइड बेटर सर्विस। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। और कुछ आप डालना चाहें ऐसा सेक्शन आप डाल सकते हैं। जिस टाइप का भी आप डालना चाहें वो चीजें यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कुछ भी डाल दिया, अगर आपको अपॉइंटमेंट का ऐसा कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह किसी से मिलना है। ठीक है, आप अपना फोटो लगा सकते हैं यहाँ पे, फोटो अगर चाहें तो। ठीक है, यहाँ पे आप अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो चीजें हैं काफी काम की, आप अपने ऑफिस या घर बैठ के अपना जो विजिटिंग कार्ड तैयार करवा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से इसको चेंज करूंगा, आप करना चाहें चेंज कर सकते हैं इनको, आप कुछ चेंज करें। ठीक है, या फिर इसने जो बातें हैं वो सही लिख रखी है काफी सारी। आप अपना यहाँ पे जो बैकग्राउंड में फोटो है बार में देखता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इमेज लेता हूँ और यहाँ पे। ठीक आप कोई भी इमेज यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कैसे, जैसे पीछे दे रखा है ना फोटो, आप ये जो कंप्लीट होती है मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने ये इमेज है दोस्तों, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई फोटो वगैरह ऐसी चीज भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, तो ये हमारा कार्ड कंप्लीट है, नेक्स्ट करते हैं इसको। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके देखिए दोनों साइड दिखाएगा कि आपकी आपका कार्ड कैसे कम क्या है। ठीक है, कंप्लीट कैसे कैसे शो होगा जब आपका कार्ड सब जाएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे आई हैव रिव्यूड एंड अप्रूव माई डिजाइन, कि मैंने अपना जो डिजाइन को रिव्यू कर लिया, मैं उसको अप्रूव करता हूँ, यहाँ पे टिक लगाइए और नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको पूछेगा कि आपको सिर्फ 100 कार्ड बनाने हैं, बनवाने हैं, या 200 या 300 400, आपको कुछ स्पेशल जो ऑफर देंगे वो भी देंगे। मान लीजिए हमें 100 कार्ड ही बनवाने हैं, ठीक है, या फिर हमें 200 कार्ड बनवाने हैं। ठीक है, तो उसका प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट, यहाँ से भी स्टॉक वगैरह आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका कार्ड जो है इस तरीके से आपको दिखाई देगा बनने के बाद। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमारा जो पहले से, अदरवाइज आप यहां से चूज कर सकते हैं, इसका एक्स्ट्रा चार्ज होता कुछ। ठीक है, तो आपको जो इंक्लूडेड है जो शुरू में ही वो उसको ही रखें, उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद है पेपर, आप ये कहते हैं एक दो ऑफर और देंगे आपको, क्या आपको जो
स्टैंड चाहिए ऐसा, अगर वो स्टैंड लेते हैं तो आपको 150 रुपये एक्स्ट्रा से देने पड़ेंगे। अगर नहीं आप लेना चाहते स्टैंड तो आप नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। अगर जो आप बिजनेस कार्ड होल्डर बोलते हैं जिसको स्टैंड, उसके बाद ये आपको ऑफर देंगे कि आपको ऐसी कैप चाहिए, आपको टी शर्ट चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए, आपको ऐसा नाम लेना है जो कुछ भी है कि आप उसके ऊपर कुछ बनाना चाहते हैं ऐसा, ठीक है। अगर आप ऐसा बनवाना चाहें कोई लेटर पैड, लेटर हेड, पैड्स, ठीक है, काफी सारी चीजें ये जो बना आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप चाहें तो फिर इनमें सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ उसके बाद ये आपको पूछेगा कि आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, आपका कार्ड ये बन के तैयार है। अब आप इसको चेकआउट कीजिए, ठीक है। आपने चेकआउट कर लिया, यहाँ से चेकआउट पे जाइए, क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूछेगा कि आपका डिलीवरी एड्रेस, आप कहाँ इसको रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है, डिलीवरी एड्रेस और बिलिंग एड्रेस, आप कहाँ इसको रिसीव करना चाहते हैं, आप कहाँ से बिलिंग करें, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। आपका जो टोटल है स्टैंडर्ड चार्ज, अभी ये बिल्कुल फ्री है होती है डिलीवरी भी, ठीक है। और आप इसको नेक्स्ट करके यहाँ से आप इनके थ्रू जो है वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस जो है इनके थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं, और शायद ये कैश ऑन डिलीवरी भी देते हैं, तो वो आप हो सकता है कैश ऑन डिलीवरी आपके किसी बड़े सिटी में हो, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो आप यहाँ से आप चूज कीजिए कि आप कुछ जो है आप पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड से आप करना चाहते हैं, ठीक है, मोबाइल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, EMI या वॉलेट से। मान लीजिए आप कैश कार्ड से करना चाहते हैं, ठीक है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, या जो भी आपको अच्छा लगे वो चूज कीजिए, आप नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, आपका जो ऑर्डर है वो हो गया है। जब तक देखिए आप ऑर्डर तब तक नहीं आएगा जब तक आप उनकी जो पेमेंट वो नहीं देंगे, उसके बाद आप क्या करें यहाँ से प्लेस ऑर्डर करें। ठीक है, जैसे आप ऑर्डर को प्लेस करते हैं यहाँ पे देखिए कि बिलिंग ऑप्शन खुलेगी, आप यहाँ से, ठीक है, नाम जो है आपका एड्रेस है, अब आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके से आप उनको पे कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके हुए 320 रुपये, आप यहाँ से इनमें से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड, वॉलेट या यूपीआई कोड, यूपीआई के थ्रू आप इनको पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेमेंट कर देते हैं, सेलेक्ट कीजिए, जैसे आप नेट बैंकिंग, मान लीजिए आप नेट बैंकिंग करते हैं, डेबिट कार्ड, अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं, देखिए दोस्तों डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड को बोला जाता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड अलग होता है और डेबिट कार्ड अलग होता है, जो एटीएम कार्ड होता है उसको ही हम डेबिट कार्ड बोलते हैं। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड डाली कि आपने डेबिट कार्ड है, कार्ड का नंबर डालिए, ठीक है, उसके बाद मेक पेमेंट कीजिए, उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो आप धीरे धीरे उसको फॉलो करते जाइए तो आपकी पेमेंट हो जाएगी, और कुछ एक दिन लगभग 10 या 12 दिन में आपके जो विजिटिंग कार्ड है, आपके जो आपने जो एड्रेस मेंशन किया है उसके उसके ऊपर वो आपको डिलीवर करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि ऑनलाइन विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और दोस्तों हमारा चैनल है LS टेक्नोलॉजी एजुकेशन, उसको आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब भी करवाइए और खुद भी कीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।